नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। और आज का ये वीडियो एक अपडेट वीडियो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज करने वाले लोगों के लिए। दोस्तों, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर होने वाले फ्रॉड से बचने के लिए आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि 16 मार्च के बाद में जो भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कोई भी बैंक इशू करेगा तो उनमें ये सिस्टम होना चाहिए कि उस कार्ड को स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने का जो फीचर है उनके ऐप में होना चाहिए। जैसे अभी आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है तो आपको अपने कार्ड को ब्लॉक कराने के लिए बैंक में कॉल करना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन आने वाले टाइम में 16 मार्च के बाद जो भी नए कार्ड्स आएंगे उनमें ये फीचर रहेगा कि आप ऐप के द्वारा अपने कार्ड को बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि जब भी आप एटीएम मशीन पर जा रहे हैं तो आप अपने कार्ड को ऑन कर लेंगे, उसके बाद में जब आप निकलेंगे तो आप अपने कार्ड को बंद कर लेंगे। ऐसे में अगर आपके कार्ड पर कोई क्लोनिंग की गई है, डुप्लीकेट कार्ड बनाया गया है जिससे कि आपके फ्रॉड होने वाला है, आप उससे बच जाएंगे। उसी तरह से जब भी आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं वहां पर भी आप ऑन करेंगे, जब भी आप परचेस कर रहे हैं उसके बाद आप उसको तुरंत बंद कर लेंगे। तो इसका फायदा ये होगा कि आपके साथ होने वाली जो फ्रॉड एक्टिविटीज है उनको इस तरह से रोका जा सकता है। या फिर आपको कोई कॉल आता है और आपको बोलता है कि आपके कार्ड को बंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप अपने डिटेल भी अगर वहां पर दे देंगे तब भी ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन आपके फोन से नहीं होगा क्योंकि आप कार्ड को ऑलरेडी बंद करके रखे हुए हैं। और अगर आपको कोई कॉल आता है वो बोलता है कि आप अपने कार्ड को ऑन कर लीजिए, तो ऐसे में वो फ्रॉड ही होगा। ये आप जानते हैं कि बैंक के पास में आपके सारे डिटेल होते हैं और आपसे बैंक कभी नहीं कहेगा कि आप अपने कार्ड को ऑन कर लीजिए और हमें ओटीपी वगैरह बता दीजिए। तो इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि अब आप लोगों के साथ जो फ्रॉड एक्टिविटीज होती है हम सब के साथ में, एटीएम मशीन पे क्लोनिंग वाला, ऑनलाइन कॉल के द्वारा फ्रॉड किए जाने वाला, तो उनको काफी हद तक रोका जा सकता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता रहता हूं कि आपको कभी भी ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए या फिर किसी बैकअप में नहीं आना चाहिए, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इस जाल में फंस के अपना पैसा गंवा देते हैं। तो वो उस टाइम पे इस तरह की गलती करने से शायद बच जाए क्योंकि वो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको ओटीपी वगैरह नहीं बताना है, तो वो उस टाइम पे उनको आसानी से ऑन भी करके दे सकते हैं। तो काफी ठीक रहेगा, बहुत लोगों के लिए ये फायदेमंद रहेगा। तो यही अपडेट थी आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा था कि आने वाले टाइम में आपको इस तरह के कार्ड्स मिल जाएंगे। अगर आपका पुराना कार्ड है तो आप नया कार्ड इस तरह का इशू करा सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग जो कार्ड है उनके लिए आपके ऐप में, जो आप बैंक का ऐप यूज करते हो उसके अंदर आपको ये फीचर मिल जाएगा कि आप अपने कार्ड को अपने मन मुताबिक ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है अब सभी कार्ड्स के लिए बंद कर दी जाएंगी। अगर आप अपने कार्ड पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ओपन करवाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको बैंक को कॉल करना पड़ेगा। तो यही थी अपडेट आज के इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण साबित होगी। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।